सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हर दिन की तरह हम आज का एपिसोड कक्षा 11 की पढ़ाई से शुरू करते हुए केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। कुछ मूल अवधारणाएं हम पहले भी जान चुके हैं, आज कुछ और जानेंगे। उसके बाद भौतिकी में जो पाठ हमने पहले शुरू किया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गति, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए हम केमिस्ट्री में विलयन यानी सॉल्यूशंस पार्ट को पढ़ेंगे और भौतिकी में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 6। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टाइक्योमेट्री के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट। जब हम किसी बाजार में जाते हैं और कुछ वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु को हम किसी निश्चित मूल्य या स्टैंडर्ड वैल्यू में नापते हैं। जैसे अगर हम केला या बनाना खरीदते हैं तो उसे हम किलोग्राम में नापते हैं। मिल्क यानी दूध खरीदते हैं तो उसे हम लीटर में नापते हैं। पर क्या आप इन दोनों पदार्थों के इनके कणों के संख्या पे नाप सकते हैं? आइए इसे विस्तार से जानें। स्क्रीन पे दिया गया पिक्चर एक प्योर गोल्ड यानी प्योर सोने का है। क्या आप इस सोने में कितने कणों की संख्या है बता सकते हैं? आपके मुताबिक यह संख्या को गणना बहुत ही मुश्किल है, पर रसायन विज्ञान ने इसको आसान बनाया है। आइए जानते हैं कैसे। रसायन विज्ञान में हम मोल की गणना करते हैं कणों की संख्याओं को मापने के लिए। एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक यानी आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या होती है। इन कणों की संख्या को अवोगाड्रो स्थिरांक यानी अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। आइए इस अवोगाड्रो स्थिरांक के बारे में जानें। अवोगाड्रो स्थिरांक या अवोगाड्रो संख्या कणों की उन संख्या को बोलते हैं जो पदार्थ के एक मोल में मौजूद होती है। इसे हम Na से लिखते हैं।
इसकी वैल्यू है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, यह संख्या अमेडियो एवोगाड्रो, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। हम अब बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान दो तरीकों से नापा जाता है। पहला है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है मोलर द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, यह एक कण का द्रव्यमान होता है। और मोलर मास या मोलर द्रव्यमान 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कणों यानी एवोगैड्रो संख्या के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब यह कण दो तरीके के भी हो सकते हैं, तो मोलर द्रव्यमान को भी दो भागों में बांटा गया है। मोलर द्रव्यमान दो भागों में बांटा गया है। पहला है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यह तब यूज किया जाता है जब ये कण एक परमाणु हो। इसको हम GAM भी लिखते हैं। और अगर एवोगैड्रो परमाणु एक अणु हो यानी मॉलिक्यूल हो, तो हम इसे ग्राम अणु द्रव्यमान यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। इसे हम GMM भी लिखते हैं। इस तरीके से हमने दोनों द्रव्यमानों के बारे में जाना। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। ऑक्सीजन, जिसे हम O से लिखते हैं, आपने कई जगहों पे इसका द्रव्यमान दो तरीकों से देखा होगा। इसे हम 16U भी लिखते हैं और इसे 16 ग्राम भी लिखते हैं। क्या आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं? 16U होता है परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, और 16 ग्राम होता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी ग्राम एटॉमिक मास, जिसे GAM भी कहते हैं। स्क्रीन पे दिया गया टेबल कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। यह आप लिख सकते हैं। एक मोल को परिभाषित करने के लिए बहुत तरीके दिए गए। स्क्रीन पे दिया गया टेबल उन सारे परिभाषाओं को एक टेबल फॉर्म में लिखता है। आइए इसे एक एक करके विस्तार से जानें। यदि हमें एक मोल को एक परमाणु पदार्थ के लिए परिभाषित करना हो, तो इसको हम परिभाषित करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान भाग ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी ग्राम एटॉमिक मास। इस तरीके से हम एक परमाणु पदार्थ के लिए मोलों की संख्या को परिभाषित करते हैं। यदि हमें एक मोल की परिभाषा एक आणविक पदार्थ के लिए देना हो, तो इसका फॉर्मूला होगा मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान और भाग करेंगे इसे ग्राम अणु द्रव्यमान यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से हम एक आणविक पदार्थ के लिए मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं। यदि हमें कुल दिए गए कणों की संख्या दी हो, उसमें हमें मोलों की संख्या को परिभाषित करना हो, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोलों की संख्या बराबर दिए गए कुल कणों की संख्या और उसे एवोगैड्रो संख्या से भाग करेंगे। जैसा हमने अभी पढ़ा, एवोगैड्रो संख्या होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इस तरीके से हम मोलों को कई तरीकों से परिभाषित करते हैं।
अब हम अपने एक प्रश्न पे आते हैं। क्या आप बता सकते हैं 398 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोलों की संख्या होगी? आइए इसे सॉल्व करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या आप इनका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं? जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए दिए गए तत्वों को उनके नंबरों से और उनके परमाणु द्रव्यमान से गुणनफल का योग करते हैं। आइए इसे करके देखते हैं। जैसा कि H2SO4 में दो हाइड्रोजन है तो 2 × हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 क्योंकि एक ही सल्फर है × सल्फर का परमाणु द्रव्यमान और प्लस 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है × ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो सारी वैल्यूज को रखकर हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान आया 98 ग्राम पर मोल। इस तरीके से हम किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, जैसा हमने पिछली वीडियोस में जाना था। आइए अब इसमें हम मोलों की संख्या को ज्ञात करें। जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा, मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए दिए गए द्रव्यमान को उसके आणविक द्रव्यमान से भाग करेंगे। वही फॉर्मूला हमने इस प्रश्न में यूज करा। इस प्रश्न में दिया गया द्रव्यमान है 398 ग्राम यानी W हुआ 398 ग्राम और M यानी आणविक द्रव्यमान हुआ 98 ग्राम पर मोल, जैसा हमने पिछली स्लाइड में निकाला। जब हमने इन सारी संख्याओं को इस फॉर्मूले में रखा तो आंसर आया 4.061 मोल यानी 398 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड में 4.061 मोलों की संख्या है। इस तरीके से हम किसी भी अणु के मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं। मोल संकल्पना के बाद अपने दूसरे विषय पे चलते हैं जो है स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें अभिकारकों यानी रिएक्टेंट और उत्पादों यानी प्रोडक्ट के संबंध का उपयोग मात्रमक यानी क्वांटिटेटिव डाटा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक रिएक्शन से समझें। स्क्रीन पर आप एक रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन को देख पा रहे हैं। इसमें हमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट दिख रहा है जो कि पर्पल रंग से है और उत्पादक यानी प्रोडक्ट दिख रहा है जो कि लाल रंग है। इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन को दर्शाते हैं। इस रासायनिक प्रतिक्रिया को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिससे हमें एक बैलेंस फॉर्म मिले। इस केमिकल रिएक्शन या रासायनिक प्रतिक्रिया में आप देख पा रहे हैं सोडियम से पहले लगा हुआ 2, HCl से भी पहले लगा हुआ है 2 और NaCl से पहले लगा हुआ है 2। इन गुणांक को हम स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कहते हैं यानी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। आइए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की परिभाषा को जानते हैं। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक रासायनिक प्रतिक्रिया में यौगिक से पहले प्रतीक संख्या को कहते हैं। यह गुणांक हमें एक रासायनिक प्रतिक्रिया को बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है। अगर इसे रासायनिक प्रतिक्रिया की भाषा में कहे तो दिए गए रासायनिक रिएक्शन में
ए बी सी डी ए स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक होते हैं। इस तरीके से हमने स्टाइक्योमेट्री के बारे में जाना। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, हमने स्टाइक्योमेट्री के बारे में भी जाना। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं। अगली वीडियो में हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 2। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे औसत वेग तथा औसत चाल। उसके बाद हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल। तो आइए शुरू करने से पहले एक बार परिचय पर नजर डालते हैं। आप अपने आसपास रोज बहुत सी वस्तुओं को गति करते हुए देखते हैं, पर क्या आपको सारी वस्तुएं गति करती हुई दिखती हैं? इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप ट्रेन की खिड़की तथा दरवाजों की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो क्या आपको ट्रेन के अंदर की वस्तुएं आगे चलती हुई नजर आएंगी? क्या आपको चीजें गति में दिखेंगी? नहीं। लेकिन क्या सही में ऐसा है? चलिए इसके लिए हम एक और कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड ट्रेन के बाहर खड़ी है और अब उसके लिए बताइए क्या ट्रेन गति कर रही है या नहीं। जी हाँ, उसके लिए ट्रेन गति कर रही है। इससे हमारे दो निष्कर्ष निकलते हैं, जिसमें पहला है गति का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। जैसे जब आप ट्रेन के अंदर बैठे थे तो ट्रेन की गति 0 थी, लेकिन आपकी फ्रेंड के लिए ट्रेन की कुछ निश्चित गति थी। एक वस्तु गति की अवस्था में तभी कहलाती है जब वह समय के साथ कुछ दूरी तय करे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और चाल को समझते हैं। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। यह किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी होती है, जिसे हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं। यहां लिखा है v बराबर x अपॉन t, जहां पर v है चाल, x है दूरी तथा t है समय। अब हमें यहां से ये भी पता चलता है, यदि दूरी का मान ज्यादा है तो चाल का मान भी ज्यादा होगा, और अगर समय का मान कम है तब भी चाल का मान अधिक होगा।
चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो एक निश्चित गति से चल रहा है। अब यह किसी निश्चित समय अंतराल में कुछ दूरी तय करता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, वह इसी निश्चित समय अंतराल में अधिक दूरी करता है। तब दूसरे व्यक्ति की चाल पहले व्यक्ति की चाल से अधिक कहलाएगी। चाल दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए यदि दो वस्तुएं समान गति से अलग अलग दिशा में जा रही हैं, तब भी उनकी चाल समान होती है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, यदि यह पिंड किसी निश्चित दिशा में गति कर रहा है और उसी की तरह दूसरा पिंड भी एक दूसरी निश्चित दिशा में गति कर रहा है और यदि दोनों समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, तब दोनों की चाल समान होगी और यह निर्भर नहीं करेगा कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और वेग पर नजर डालते हैं। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। यह किसी पिंड की वह दर है जिससे वह किसी निश्चित दिशा में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। मतलब वेग में हम परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी ध्यान देते हैं और इसको इस सूत्र से प्रदर्शित किया है जहां लिखा है v बराबर d अपॉन t, जहां d विस्थापन है और t समय है। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई पिंड एक बिंदु से आगे की तरफ सरल रेखा में गति कर रहा है और वो t समय में d विस्थापन तय करता है, तब उसका वेग हो जाएगा d अपॉन t। वेग का मान सदैव दिशा पर भी निर्भर करता है। चलिए इसे भी फिगर से देखते हैं। मान लीजिए ये कोई पिंड है जो एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है, वहीं एक दूसरा पिंड किसी दूसरी दिशा में समान रूप से गति कर रहा है और दोनों समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, परंतु तब भी इन दोनों का वेग अलग अलग होगा क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और औसत चाल को समझते हैं। औसत चाल को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। एक गतिमान कण के लिए औसत चाल को दो बिंदुओं के बीच की दूरी में अंतर तथा बिंदुओं के बीच के समय में अंतर के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई पिंड है जो इस प्रकार गति कर रहा है। अब हम औसत चाल निकालने के लिए इसकी तय की गई दूरी देखेंगे जो इस प्रकार है, और इसी के अनुसार हम लिख सकते हैं औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल व्यय समय। चित्र में चली गई दूरी को काले रंग की सरल रेखा से प्रदर्शित किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं और औसत चाल से जुड़े कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। औसत चाल की इकाई मीटर पर सेकंड है। औसत चाल की विमा m0 l1 t-1 है। औसत चाल चाल की दिशा के बारे में नहीं बताती है तथा औसत चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है तथा इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है। सरल रेखा पर जो बिंदु दिखाए गए हैं उनका नाम है ए, बी तथा सी। वस्तु गति बिंदु ए से प्रारंभ करती है और वो पहले ए से सी की तरफ जाती है जिनके बीच की दूरी है 3 मीटर, फिर सी से बी की तरफ जाती है
जिनके बीच की दूरी है 4 मीटर और फिर वापस से बी बिंदु से सी पर आ जाती है। तो चलिए अब देखते हैं इसके लिए औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल होती है कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। मान लीजिए वस्तु ने अपनी पूरी गति के दौरान 10 सेकंड में पूरी दूरी तय की, तब इस केस में औसत चाल होगी v एवरेज बराबर 3 मीटर, क्योंकि a से c के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है, प्लस 4 मीटर क्योंकि फिर वस्तु c से b की तरफ गई थी, प्लस 4 मीटर क्योंकि वस्तु वापस से पॉइंट b से पॉइंट c पर आ गई थी, और बटे 10 सेकंड क्योंकि कुल दूरी 10 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई, इसलिए v एवरेज हो जाएगा 11 मीटर बटे 10 सेकंड बराबर 1.1 मीटर पर सेकंड। तो चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं औसत वेग को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एक गतिमान कण के लिए औसत वेग को दो बिंदुओं के बीच विस्थापन तथा बिंदुओं के बीच के समय अंतराल के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पिंड गति कर रहा है और उसका गति का मार्ग इस तरह से है। अब जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा कि औसत वेग के लिए हमें दो बिंदुओं के बीच विस्थापन की आवश्यकता होती है, तो इसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु जो कि हैं x1 और x2, इनके बीच विस्थापन हम इस रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अब इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र है v बराबर x2 - x1 / t2 - t1, जहां t2 और t1 अंतिम तथा प्रारंभिक समय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और औसत वेग से जुड़े कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। औसत वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड है। औसत वेग द्वारा पिंड की गति की दिशा के बारे में भी पता चलता है। औसत वेग का मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। औसत वेग का मान औसत चाल के बराबर या उससे कम हो सकता है। औसत वेग का मान कभी भी औसत चाल से अधिक नहीं हो सकता। चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसे ग्राफ से समझते हैं। इसके लिए हम समय और दूरी के बीच एक ग्राफ लेते हैं, जिसका औसत वेग निकालने के लिए हम इस ग्राफ पर कोई दो बिंदु सेलेक्ट करते हैं जिनकी x अक्ष पर दूरी है x1 और x2। अब औसत वेग निकालने के लिए हम इन दोनों बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा खींचते हैं और इस सरल रेखा की प्रवणता ही औसत वेग कहलाती है। आप देख सकते हैं इस सरल रेखा की प्रवणता धनात्मक है। प्रवणता को इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। और इसी तरह हम और बिंदुओं के बीच का भी औसत वेग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव होगा, इसलिए औसत वेग का मान भी ऋणात्मक होगा। और इसी तरह हम और बिंदुओं के बीच भी देख सकते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि औसत वेग का मान शून्य भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रवणता का मान शून्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के और ग्राफ देखते हैं। हमारा पहला ग्राफ है दूरी और समय के बीच का ग्राफ, जो कि इस तरह से है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रवणता धनात्मक है, इसलिए औसत वेग भी धनात्मक होगा, तथा दूसरे केस में प्रवणता ऋणात्मक है, इसलिए औसत वेग भी ऋणात्मक होगा, तथा तीसरे केस में प्रवणता शून्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लोप का मान 0 है,
इसलिए औसत वेग भी जीरो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तात्क्षणिक वेग पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम यहां पर इसका परिचय पढ़ेंगे। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और विमा होती है m0 l1 t-1। आगे चलते हैं और तात्क्षणिक चाल पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक वेग के परिमाण को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यदि तात्क्षणिक वेग को v से रिप्रेजेंट किया जाए और तात्क्षणिक चाल को u से रिप्रेजेंट किया जाए, तो यह लिखा जा सकता है u बराबर मॉड v। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा औसत चाल, उसके बाद हमने पढ़ा औसत वेग, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा तात्क्षणिक चाल एवं वेग। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल तथा त्वरण। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम विलयन पाठ का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता से। विलेयता समान समान को घोलता है के नियम का पालन करती है। यह बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण बात है विलेयता के बारे में कि विलेयता समान समान को घोलता है के नियम का पालन करती है। कभी भी जब विलेयता की प्रक्रिया होती है तो उसमें सबसे पहले विलीनीकरण होता है और उसके बाद क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है। आइए अब ये चीज समझते हैं कि समान समान को घोलता है का नियम क्या होता है और ये नियम क्यों बनाया गया। देखिए होता क्या है, अभी जो आपके सामने फोटो आई है उस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि NaCl का क्रिस्टल जो है वो हमने पानी के अंदर घोला है। तो NaCl के क्रिस्टल में क्या होता है, Na+ और Cl- धनायन और ऋणायन बनते हैं। इसी कारण NaCl को पोलर क्रिस्टल भी कहा जाता है। यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि NaCl की जो प्रवृत्ति है वो पोलर प्रवृत्ति है। वहीं अगर हम बात करें पानी की, तो पानी क्या होता है, पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है और पानी भी पोलर प्रवृत्ति का होता है। तो NaCl भी पोलर प्रवृत्ति का है और पानी भी पोलर प्रवृत्ति का है, तो दोनों आपस में घुल जाते हैं। इसी को कहते हैं समान समान को घोलता है। तो अब होता क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि जो पोलर विलेय है वो पोलर विलायन में ही घुलेगा। अगर दोनों में से एक भी नॉन पोलर हुआ तो वो दोनों आपस में नहीं घुलेंगे। तो यही नियम कहलाता है समान समान को घोलता है का नियम। यह नियम बहुत जरूरी है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। तो आप इस चीज को एक बार अपनी NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें हम ये जानेंगे कि विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है पदार्थ की प्रकृति। जैसे मैंने आपको अभी बताया
कि जो पदार्थ की प्रकृति है वो किस तरह से प्रभावित करती है विलेयता को। अगर समान समान हुआ तो पदार्थ घुलेगा, अगर समान समान नहीं हुआ तो पदार्थ नहीं घुलेगा। दूसरा जो कारक है वो है तापमान। तापमान भी एक ऐसा कारक है जो विलेयता को प्रभावित करता है, ये हम आगे देखेंगे। तीसरा जो कारक है वो है दाब। दाब उन मामलों में विलेयता को प्रभावित करने वाला एक कारक है जहां पर विलेय गैस हो, तो दाब वहां पर विलेयता को प्रभावित करता है। जिन मामलों में द्रव हमारा विलेय होता है उन मामलों में दाब विलेयता को प्रभावित नहीं करता। तो दाब सिर्फ गैसों के लिए विलेयता को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तापमान किस तरह से विलेयता को प्रभावित करता है। तापमान का जो प्रभाव है विलेयता पर वह इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमारी प्रक्रिया है वो किस तरह की है। अगर ऊष्मशोषी प्रक्रिया है तो ऊष्मशोषी प्रक्रिया में तापमान बढ़ने से विलेयता बढ़ती है, और वहीं अगर ऊष्मशेपी प्रक्रिया है तो तापमान बढ़ने से विलेयता कम होती है। यह था विलेयता पर तापमान का प्रभाव। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कहता है कि किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर हम हेनरी के नियम का एक्सप्रेशन देखें तो उसे ऐसा लिखा जाता है पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ पर P जो है वह गैस का आंशिक दाब है और X जो है वो गैस का मोल अंश है, और KH यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है। यह है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इस पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिए। हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हमको पढ़ने होंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। तो हेनरी के नियम का जो पहला अनुप्रयोग है वो ये है कि आपने बाजार में कोका कोला या सोडा की बोतल तो देखी ही होगी। आपने सोडा जल और शीतल पेयों में देखा होगा कि उसमें जब हम उसे खोलते हैं तो झटके से एक गैस बाहर निकलती है, वह गैस CO2 गैस होती है। हर सोडा जल और शीतल पेयों में यह CO2 गैस पाई जाती है। अब होता क्या है, जो भी इस सोडा जल और शीतल पेय को बनाता है वो यह चाहता है कि CO2 की विलेयता बोतल में बनी रहे, और हो सके तो CO2 की जो विलेयता है वो बोतल में ज्यादा ही हो। तो विलेयता को बढ़ाने के लिए जो भी इस सोडा जल या शीतल पेय को बनाता है वो क्या करता है, वो बोतल को अधिक दाब पर बंद कर देता है। अधिक दाब पर बंद करने के कारण क्या होता है कि जो CO2 गैस होती है उसकी विलेयता सोडा जल या शीतल पेय में बहुत ही बढ़ जाती है। तो यह एक बहुत बड़ा फायदा होता है, और ये हेनरी के नियम का एक अनुप्रयोग है। यह बहुत ज़रूरी है, आप इसको अपनी कॉपीज में लिख लीजिए। अब अगला जो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है वह यह है कि गहरे समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाते हैं, आपने फिल्मों में या फिर टीवी में कभी देखा होगा कि जो गहरा समुद्र होता है उसमें जो गोताखोर जाते हैं वह ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाते हैं। अब होता क्या है, गहरे समुद्र तल में गैसों का अधिक दाब होता है। अधिक दाब होने के कारण रक्त में गैसों की अधिक घुलनशीलता होती है, तो अधिक घुलनशीलता का सामना गोताखोरों को समुद्र के अंदर करना पड़ता है। अब होता क्या है, जब गोताखोर समुद्र के सतह पर आने लगता है तो सतह पर आते आते ये सारी गैसें धीरे धीरे निकलने लगती हैं। तो जब ये गैसें नसों से बाहर निकल रही होती हैं तो होता क्या है कि ये अपने बुलबुले छोड़ती है नसों में। बुलबुले ब्लॉकर का काम करते हैं और ये खून को रोक देते हैं, इससे काफ़ी हार्ट की प्रॉब्लम होती है और गोताखोरों को एक चिकित्सक अवस्था का सामना करना पड़ता है जिसे बेंड्स कहते हैं।
अक्सर गोताखोरों को इस बेंड्स नाम की चिकित्सक अवस्था का सामना करना पड़ता है। हेनरी के नियम के ये दो अनुप्रयोग आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा, यह बहुत जरूरी है परीक्षा के उद्देश्य से, और इन नियमों और इन अनुप्रयोगों को अपनी किताबों से भी पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम इस वीडियो की अंत में आ गए हैं, तो देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता पढ़ी, और उसके बाद हमने हेनरी का नियम पढ़ा, और साथ ही हमने हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी पढ़े। तो आज की वीडियो में हमने ये सब पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आई होंगी। मैं ये आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें NCERT रसायन विज्ञान भाग एक से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग राउल्ट नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। दोस्तों, अभी तक हम चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 5 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 6th भाग समझेंगे, और इस 6th भाग में हमारे पिछले भाग के विषय गाउस नियम के अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला अनुप्रयोग है गाउस नियम द्वारा एक समान रूप से आवेशित असीम रूप से लंबे पतली चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। इसके लिए मान लीजिए कि ये एक असीम रूप से लंबी व पतली चादर है जो कि धनावेशित है। तो दोस्तों, हम एक छोटा सा गॉसियन क्षेत्र कंसीडर कर लेते हैं जो इसके दोनों तरफ होगा, और ये गॉसियन क्षेत्र एक बेलन की शेप में होगा जिसके मुख्यतः दो क्षेत्रफल है, एक बेलन का ऊपर तथा नीचे वाला भाग जो वृत्त होता है जैसे ए, इसके अलावा एक वक्र पृष्ठ जैसे बी। अब मान लेते हैं कि सिग्मा आवेश का क्षेत्रफल घनत्व है, तो चादर पर कुल आवेश यानी क्यू होगा सिग्मा गुणा चादर का क्षेत्रफल। अब अगर गाउस नियम की सहायता से कुल फ्लक्स निकालें और पूरे गॉसियन क्षेत्र के लिए इसे इंटीग्रेट भी करें तो आने वाले दोनों ही व्यंजक बराबर होंगे, और क्योंकि बेलन के ऊपर व नीचे के भाग एक समान वृत्तीय क्षेत्र है इसलिए ये समीकरण बनेगी फाई बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट जो गाउस नियम से आया है बराबर 2 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ए जो बेलन के ऊपर व नीचे वाले वृत्त के हिस्से हैं जमा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बी जो बेलन के वक्र पृष्ठ के कारण आता है। अब अगर आप बेलन के वृत्तीय क्षेत्र जैसे कि ए के लिए देखें तो ई और डी एस की दिशा समान ही होगी, जबकि वक्र पृष्ठ बी के लिए ई तथा डी एस की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी। यानी अब फाई बराबर होगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटीग्रेशन ई डी एस ए कॉस 0 डिग्री जमा इंटीग्रेशन ई डी एस बी कॉस 90 डिग्री। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू रखने पर इक्वेशन आएगी फाई बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटीग्रेशन ई डी एस ए, क्योंकि दोस्तों कॉस 90 डिग्री वाला कंपोनेंट यहां पर 0 हो जाएगा, यानी फाई बराबर होगा 2 गुणा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ए। और इसे हल करें तो आता है
सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 गुणा ई गुणा ए, जहाँ पर ए इस चादर का क्षेत्रफल है। या यहाँ से वैद्युत क्षेत्र ई का मान यदि निकाला जाए तो वह होगा सिग्मा ए बटे 2 ए एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि अंश और हर में ए उपस्थित है जो आपस में कट जाएंगे तो ई बचेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आइए अब ज्ञात करते हैं गाउस नियम द्वारा गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हम फर्स्ट केस लेते हैं जब बिंदु P खोल से बाहर हो। मान लीजिए एक गोलीय खोल है जिसकी त्रिज्या R है और इस गोलीय खोल पर कुछ धनावेश फैला हुआ है। अब हमें निकालना है इस गोलीय खोल के केंद्र से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु जहां पर गोलीय खोल की वजह से कुल कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, इसकी गणना करनी है। इससे पहले अगर हम बनाए इसके लिए एक गॉसियन क्षेत्र जो इस आवेश को पूरी तरह से बंद कर ले, तो वो होगा एक और गोला जिसकी त्रिज्या होगी R, जो खोल के केंद्र और बिंदु P के बीच की दूरी भी है। गॉसियन सतह B का कुल क्षेत्रफल होगा 4π r^2। अब हम इस गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग ds लें तो इसके लंब की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय, और ठीक इसी तरह वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय ही, यानी E तथा तल के लंबवत दिशा हमेशा समांतर होगी, जिसकी वजह से हम इसे पूरे गोले के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाउस नियम की मदद से हम लिख सकते हैं कि कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के, यानी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर आता है ई गुणा 4π r^2 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी ई बराबर होगा 1/4π εo³/r^2। अब अगली परिस्थिति में हम बिंदु P को गोलीय खोल के अंदर ही मान लेते हैं। तो दोस्तों, इस केस में भी हम देख सकते हैं कि गॉसियन क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 4π r^2 और गाउस नियम की सहायता से फाई बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो पाएंगे कि गॉसियन क्षेत्र बी के अंदर कोई आवेश है ही नहीं, सारा आवेश क्यू गोलीय खोल के ऊपर है और जो गॉसियन क्षेत्र से बाहर है, यानी इस परिस्थिति में Q बराबर होगा 0 के, जिसकी वजह से फ्लक्स भी हो जाएगा 0। आइए अब अगला अनुप्रयोग देखते हैं, जो है गाउस नियम द्वारा किसी ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करना। इसमें भी हम फर्स्ट केस लेते हैं जब बिंदु P गोले से बाहर हो। मान लीजिए एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या R है और इस गोले में कुछ धनावेश उपस्थित है। अब हमें निकालना है इस गोले के केंद्र से R दूरी पर इस गोले की वजह से कुल कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। इससे पहले अगर हम बनाएं इसके लिए गॉसियन क्षेत्र जो इस आवेश को बंद करे, तो वो होगा एक सकेंद्रीय गोला जिसकी त्रिज्या होगी R, जो गोले के केंद्र और बिंदु P के बीच की दूरी भी है। दोस्तों, गॉसियन सतह B का कुल क्षेत्रफल होगा 4π r^2। अब हम इस गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग ds लें तो इसके लंब की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्या, और ठीक इसी तरह वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्या, यानी E तथा तल के लंबवत दिशा हमेशा समांतर रहेगी, जिसकी वजह से हम इस पूरे गोले के लिए इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाउस नियम की मदद से हम लिख लेते हैं कि कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस समीकरण को इंटीग्रेट करने पर आता है ई गुणा 4π r^2 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ से E आता है 1/4π εo q/r^2।
और दोस्तों यह व्यंजक ठीक वैसा ही है जैसा किसी बिंदु आवेश या किसी गोलीय खोल के कारण बनने वाले वैद्युत क्षेत्र का होता है। यानी हम ये मान सकते हैं कि इस केस में गोले का पूरा आवेश गोले के केंद्र पर ही केंद्रित रहता है। आइए अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें बिंदु P गोले के अंदर हो। इसके लिए मान लीजिए कि ये एक ठोस गोला है जिसमें आवेश Q उपस्थित है। अब हम इस गोले के अंदर ही कहीं एक बिंदु P मान लेते हैं जो इस गोले के केंद्र से R दूरी पर है। बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन क्षेत्र भी एक गोला होगा जिसे यहाँ B से दर्शाया गया है। इसी गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग लेते हैं और इसके बाद इसे पूरे क्षेत्र के लिए इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर इस छोटे से क्षेत्र के तल का लंब भी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्या है, जबकि इस गॉसियन क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 4πr2। दोस्तों मान लीजिए कि रो आवेश का आयतन घनत्व है जिसका मान होगा रो बराबर क्यू बटे 4/3 पाई आर की घात 3, यानी इस गोले का कुल आवेश बटे गोले का कुल आयतन। और दोस्तों गॉसियन क्षेत्र से बंद होने वाला आवेश क्यू डैश होगा रो गुणा 4/3 पाई आर की घात 3, यानी आवेश का आयतन घनत्व गुणा गॉसियन क्षेत्र से बंद होने वाले गोले का आयतन। अब दोस्तों गाउस नियम से पाई बराबर आता है क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट के। इसके अलावा फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट डीएस के इंटीग्रेशन के। तो अगर इसे इंटीग्रेट करें और क्यू का मान रखें तो समीकरण आएगा रो गुणा 4/3 पाई आर की घात 3 बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुणा 4πr2, जिसे हल करने पर हमें मिलता है वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक जो होगा रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स हमारे आज के इस वीडियो में हमने गाउस नियम के कुछ और अनुप्रयोगों को देखा जो थे एक समान रूप से आवेशित असीम रूप से लंबे पतली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसके अतिरिक्त गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र और ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले विषय विद्युत द्विध्रुव की। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।